दोस्तों सीबीएसई क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, बिग अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको ये सामने वीडियो को रख रहा हूँ कि सीबीएसई के 156 स्कूलों ने क्लास 10 और 12 के जो स्कूल असेसमेंट के साथ जो प्रायोगिक परीक्षा होती है और जो प्रोजेक्ट वर्क का जो अंक होता है यानी उसके नंबर्स अभी तक स्कूलों ने नहीं भेजे हैं। तो दोस्तों 156 स्कूल ऐसे हैं सीबीएसई के जिन्होंने जो है जो स्कूल असेसमेंट के साथ जो प्रायोगिक परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क जो हुआ है उसके नंबर्स अभी तक नहीं भेजे हैं, जिसकी वजह से सीबीएसई जो है स्कूलों को नोटिस भेजा है कि आप जल्द से जल्द अपलोड कर दें, जल्द से जल्द जो है भेज दें नंबर सीबीएसई को। और दोस्तों जब तक अगर वो देरी करेंगे स्कूल वाले भेजने में तो आपका रिजल्ट बनने में भी आपको टर्म टू का देरी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को बिल्कुल स्क्रीन पर आपको बताता हूँ पूरी विस्तार से, पूरी डिटेल से कि इस वीडियो के अंदर क्या है न्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं टर्म 1 और टर्म 2 की प्रायोगिक परीक्षा यानी दोस्तों प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स हैं उसके प्रोजेक्ट वर्क और असेसमेंट का अंक नहीं भेजा तो इस तो संबंधित स्कूल और परीक्षार्थी का रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, यानी अभी टाइम लग जाएगा, फिर और देर हो जाएगी। बोर्ड की माने तो पटना जोन के 156 स्कूलों ने 10वीं और 12वीं के टर्म 1 और टर्म 2 के स्कूल असेसमेंट के साथ जो है जो उसका प्रायोगिक परीक्षा नहीं जो है आपका जो और प्रोजेक्ट वर्क अंक नहीं भेजा है, यानी दोस्तों जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो हुआ है और जो प्रोजेक्ट वर्क हुआ है उसके नंबर्स अभी तक नहीं भेजा है। ठीक है, अब बोर्ड ने इन स्कूलों को आगाह किया है कि अगर ये स्कूल प्रायोगिक परीक्षा का अंक नहीं भेजेंगे तो ऐसे छात्रों के जो है रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषयों में 20 अंक प्रोजेक्ट वर्क और आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा 30 अंकों की होती है। अब बोर्ड द्वारा दोबारा तिथि जारी कर अंक भेजने को कहा गया है। बोर्ड के अनुसार 10वीं टर्म 1 और टर्म 2 का आंतरिक मूल्यांकन का अंक 27 से 31 मई के बीच में भेज देना है। तो दोस्तों 27 से 31 मई के बीच में जो है इनको भेज देना है क्लास 10 का टर्म 1 और टर्म 2 का आंतरिक मूल्यांकन, क्योंकि दोस्तों क्लास 2 का आपका 10 का एग्जाम भी हो चुका है इसलिए 10 का जल्दी भेजना है। वहीं 12वीं के लिए 27 मई से 5 जून तक अंक भेजने को कहा गया है। 27 मई से 5 जून तक जो है क्लास 12 के नंबर्स को भेजने को कहा गया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि अब तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, इस बीच अगर स्कूल अंक अपलोड नहीं करते हैं तो स्कूल और छात्र का रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके नंबर्स अभी तक जो है भेजे नहीं गए हैं, या दोस्तों सभी के लिए पेंडिंग में पड़ेंगे क्योंकि अगर अंक नंबर्स जाएंगे नहीं सीबीएसई को तो सीबीएसई जो है रिजल्ट बनाने के लिए देरी करेगा, तो जब रिजल्ट देरी में आएगा तो आपको परेशानी होगी। तो दोस्तों जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, न्यूज़ भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों देखते हैं कि जो सीबीएसई ने भेजा है कितने जल्द से जल्द जो है सीबीएसई को जो है अपडेट दे दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर कोई अभी नई अपडेट आएगी मैं आपको बताने पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों उम्मीद है कि क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।